कल ऑलमोस्ट मैं रात के 3 बजे तक काम किया और पूरा जो प्रोजेक्ट था पूरा कंप्लीट कर लिया। कल तो मैं उतना व्लॉग नहीं कर पाया, बट आज पूरा व्लॉग करेंगे अपन लोग। अभी यार 12 बज रहे हैं, 12 बजे उठा हूँ मैं। आई वाज चेकिंग व्हाट्सएप एंड ये कुछ दिखा मुझे, लेट सी अगर ये रियल है तो देख सकते हैं अपन लोग ऊपर से भी सूर्य देवता को। तो अभी चलते हैं, फिर मैं फ्रेश फ्रेश होता हूँ, खाना ना कुछ खाता हूँ, उसके बाद आज का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। पहली बार नहीं है मेरा, ये दूसरी बार है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। ये पिछली बार भी शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ये ऐसे राउंड हुआ था, और आज फिर से मैं देख रहा हूँ एंड इट इज़ रियल। और भाई देखते नहीं मर रहे, इतना ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए ग्लासेस लगा दिया हूँ। मेरे को नॉर्मली इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था अभी, बट अभी आके मैं जब गूगल किया, ये एक वाइड रेंज में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है सन का, जिसे इन द साइंस हेलो बोलते हैं। हेलो नॉट हेलो, एच ए एलो हेलो, और ए एक रिफ्लेक्शन है सन का इन ए वाइड रेंज, सो नथिंग वॉरी अबाउट इट। ये नॉर्मली है। अराउंड 3-4 साल पहले की बात है, तब भी मैं सुबह अराउंड 9-10 बज रहे थे और मैं ऐसे ही उठा था, जस्ट अराउंड 9-10 बजे उठा था, और वो उस दिन भी देखा था उस दिन मैं, और उसके अगले दिन न्यूज़ में भी आया था, वो न्यूज़ में पेपर में आया था उस दिन। ऑल राइट, अभी जस्ट मैं वीडियो एडिट किया और सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि मैं रात को 3-4 बजे सोया, तो अभी 11-12 बजे उठा हूँ, तो फिर लेट हो गया, वीडियो एडिट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन द लास्ट ब्लॉग। तो फिलहाल तो अभी एडिट होकर मैं पब्लिक कर दिया हूँ वीडियो, और जाके वीडियो देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हो तो लास्ट ब्लॉग। और चलिए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। पिछले साल की बात करी जाए, पिछले साल में भी उतना कोरोना बढ़ा नहीं था, ऑलमोस्ट बढ़ा था इन ए ह्यूज अमाउंट बढ़ा था, पिछले साल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बढ़ा था, इन ए ह्यूज अमाउंट बढ़ा था। बट एज आई नो मेरे फैमिली में या फिर मेरे रिलेटिव्स में या फिर मेरे दोस्तों रिश्तेदारों में कहीं पर भी मेरे को उतना सुनने को नहीं मिला था कि इसको हो गया उसको हो गया था। बट इस बार काफ़ी सारे मेरे रिलेटिव्स को भी हो गया, काफ़ी सारे मेरे दोस्तों में भी हो गया है, और जान पहचान में मोस्टली बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। तो अभी एक ही सिचुएशन हमारे पास मिल रहा है अभी घर में ही रहने का, बट इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन कि घर में ही रह के हमको इसको भगाना है, ये तो नहीं जाएगा ना घर में रह के। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा फॉर द वैक्सीनेशन और फॉर वॉट एवर इट इज़, क्योंकि हर आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो घर में बैठ के 24 घंटा या फिर महीने भर खा पाए, उसे बाहर जाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। सो ये टॉपिक में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये टॉपिक जब भी बात करता हूँ मैं ज़्यादा ही लंबा खींच लेता हूँ, तो इसी टॉपिक को बंद करते हैं। वॉट एवर इट इज़, जब भी ठीक होगा ठीक हो जाएगा। अरे यार ये जब भी ब्लॉक करते कॉल आ जाता है, कंपनी कॉल है, तो ठीक है अभी देखते हैं कब भी ठीक होता है। वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है, वैक्सीनेशन हमारी फैमिली में तो पापा मम्मी को वैक्सीन लग चुका है, अभी 3 महीने से मेरे ख्याल से 18+ वालों को भी लग जाएगा, देखते हैं जब भी ठीक होता है सिचुएशन। अभी फिलहाल हमारा काम यही है कि गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, मतलब घर पे रहो, जो भी लॉकडाउन ओडाउन कर रही है, उसे अकॉर्डिंगली उनके साथ फॉलो करना है, बस यही कर सकते हैं अभी, कुछ और ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास। इट्स बीन ऑलमोस्ट 12 डेज और 13 डेज जब से लॉकडाउन, मीन्स 13 तारीख से ऑलमोस्ट मैं व्लॉग कंटिन्यूअसली बना रहा हूँ और नॉन स्टॉप बना रहा हूँ, मीन्स एक भी दिन गैप नहीं हुआ है। हालांकि टाइम थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे कि आज जैसे थोड़ा लेट हो गया तो टाइम अलग हो गया, बट कंटिन्यूअसली हर दिन एक ना एक व्लॉग डाला ही हूँ, और ये कंटिन्यूअस जब तक कंटिन्यू कर पाते हैं करेंगे, रेगुलर व्लॉग चल रहा है अभी तो चलने देते हैं।
अमेजिंग वर्कआउट सेशन टुडे आल्सो। और आज का व्लॉग ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, नॉट फॉर श्योर बट ऑलमोस्ट आई थिंक सो 6-7 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका होगा। आज के इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि मेरे पावर नहीं बचा अभी व्लॉग करने का, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 9 बजने वाले रात को और अभी डिनर करूँगा मैं, फिर अभी ये व्लॉग को एडिट करना पड़ता है, नहीं तो फिर कल के जैसे फिर से व्लॉग लेट हो जाएगा और दोपहर में रिलीज करना पड़ेगा मुझे। तो अभी जैसे मैं एडिट कर देता हूँ तो मैं शेड्यूल पे डाल देता हूँ 11 बजे का सुबह का। सो बाय द वे बाल बहुत बढ़ चुका है अभी, तो अभी तो फिलहाल लॉकडाउन खुलेगा नहीं और ट्रिमर मेरे पास है नहीं, तो ट्रिमर रहता तो अभी इधर साइड वाइड काट वाट लेते, बट देखते हैं अभी तो बढ़ा रहा हूँ तो चलो बढ़ा ही लो अभी थोड़ी देर है ना। बट अच्छा नहीं लगता, मेरे पे सूट क्यों नहीं करता पता नहीं, मेरे पे लॉन्ग हेयर सूट नहीं कर पाता, शॉर्ट हेयर में यहाँ इधर थोड़ा कट वट कर आए साइड साइड में कम हेयर रखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट कोई नहीं, अभी तो कुछ सिचुएशन ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते तो अभी रहने देते हैं। आई होप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कमेंट का ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, 2-3 दिनों बाद बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो यार, फॉलोअर्स वहाँ बढ़ाना है हमें और वहाँ भी एक सभी का सपोर्ट चाहिए। सो गो एंड फॉलो देयर, रियल को निर्माणा नाम से आ रहा होगा स्क्रीन पे, डू चेक इट आउट फर्स्टली। कल वाले व्लॉग में जरूर सब देखने आना क्योंकि कल एक चैलेंज व्लॉग होने वाला है। कल ही बताते हैं वो, आज नहीं बताएंगे, सस्पेंस थोड़ा खेलते हैं क्योंकि आज बता दूंगा सब पत्ता, आज ही खोल दूंगा तो कल का व्लॉग मजा नहीं आएगा। सो लेट्स नो टुमारो, तो कल आइएगा और जानिएगा क्या चैलेंज।